बहुत इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। दानियाल, दानियाल है, दानियाल दानियाल, हेलो दानियाल, यस सर, आवाज आ रही है? देखो यस सर, आ रही है। बेटे, प्लीज देखो, आप एक लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, आप सब बच्चे भी समझने की कोशिश करिएगा, बिकॉज चैप्टर टू सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है बेटे, जो हमारे पास 11th 12th में पूरा पूरा यूज होना है, तो वो मैं चैप्टर टू दोबारा से करूँगा। तो आप पहले ये देख लो, छोटा सा टॉपिक है, इसको हम कर रहे हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास जो 10th में हमने स्टेटिस्टिक्स किया था, हम उसी से आगे बढ़ रहे हैं। तो उसमें क्या था, हमने मीन फाइंड करना सीखा था। सब बच्चे ध्यान से, बहुत इजी है, ठीक है, 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपके पास रहेगा, तो बहुत इजी टॉपिक है। हमने मीन सीखा था निकालना, जरा ध्यान से देखो। मीन हमने सीखा था, सपोज करो मैं आपसे कहूँ 3 5 7 9 11, ठीक है, मैं सिंपल नंबर्स की बात कर रहा हूँ। तो मीन आपने फाइंड किया होगा, दैट वाज बार एक्स इज 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 5, तो 8 7 15 और 20 35 बाय 5, दैट इज 7। तो आपका जो मीन आ गया वो क्या आ गया सर, 7 आ गया, ठीक है। आपने एक वर्ड यूज किया होगा 10th में, हाँ भाई, सब बच्चों ने 10th में एक वर्ड यूज किया होगा, क्या यूज किया था, स्टेप डेविएशन मेथड, याद है कुछ? यस सर, ठीक है, मीन फाइंडिंग बाय स्टेप डेविएशन मेथड। तो वहां पे टर्म आया था डेविएशन, या उसमें जो आपने याद हो डी निकालना सीखा था, किसी बच्चे को याद है डी क्या था? x माइनस ए अपॉन एच सर, एक्स माइनस ए जी बेटे, एक्स माइनस ए, यस। डेटा में से अगर आपने जो मीन एज्यूम किया था उसको माइनस करते थे, तो उसको आप कहते थे बेटे डेविएशन। तो डेविएशन बेसिकली होता क्या है, अगर मैं डेविएशन को वैसे डिफाइन करूं, तो डेविएशन का मतलब होता है बेटे डिफरेंस। आप क्या कर रहे हो, आप एक्स जो है वो आपका डेटा है, और ए जो है वो आपका एस्यूम मीन है। तो अगर आपने डेटा में से मीन को माइनस किया था तो उसको हम कहते थे डी, दैट इज कॉल्ड डेविएशन बेटे। एक्चुअली क्या है कि जो आपका एक्चुअल डेटा है और जो आपका मीन है, उन दोनों में कितना डिफरेंस है, उसको हम कहते हैं डेविएशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे डेविएशन की बात करूं कि भाई हमारे पास जो डेटा है, दोबारा से देख लीजिए, डेटा है 3 5 7 9 11, ठीक है, और आपका जो मीन आया है दैट इज 7। तो अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल डेटा एंड मीन, अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ व्हाट इज मीन, मींस का मतलब क्या समझते हो? सर एवरेज। एवरेज वो तो उसका वर्ड हो गया, टर्म हो गया, समझते क्या हो कि मीन किसे कहते हैं। आप खुद अपने निकालते हो कि सर मेरे 3 टेस्ट आए थे और एवरेज मेरे सर ये मार्क्स आ रहे हैं, आप जैसे रफली बोलते सर एवरेज 25 मार्क्स आ रहे हैं सर मेरे 30 में से, 20 मार्क्स हैं एवरेज स्कोर आया सर, क्या मतलब समझते हैं सर? सर बीच का। वेरी गुड, एक्चुअल टर्म यही है बेटा, बीच का। एक्चुअली क्या वर्ड है, सेंट्रल टेंडेंसी। आप स्टेटिस्टिक्स में कहीं पढ़ोगे तो इन टर्म्स को, मीन मीडियन मोड को हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। आवर डेटा इज टेंड टुवर्ड्स दिस सेंटर, ठीक है। मतलब मैं अगर आपसे कहूँ अभी, जैसा एग्जांपल ले लो, चीजों को समझा करो रियल लाइफ में। सपोज करो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे सर 10 आए हैं या 15 आए हैं या 20 आए हैं, ये मेरे मार्क्स हैं,
तो अगर आप इनका एवरेज निकालोगे तो 15 आएगा. तो ये तीनों डेटा जो है 15 की तरफ टेंड हुए हैं. 10 को भी हम 15 कंसिडर कर रहे हैं और 20 को भी 15 कर रहे हैं, 15 को 15. तो मैं क्या कह रहा हूँ कि एवरेज मेरा स्कोर 15 के आसपास है. ना मैं 10 कह रहा हूँ ना मैं 20 कह रहा हूँ. ठीक है, आप वैसे भी करोगे 45/3 15 आएगा. तो जो सेंट्रली टेंड होता है, बीच का जो रिजल्ट आता है उसकी हम बात करते हैं, तो उसे हम कहते हैं मीन. अब मीन होता क्या है एक्चुअली? मीन होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है सर, तो मीन बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है. अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा. तो यहाँ पे जैसा मेरे पास मेरा एक्चुअल डेटा है 3 और आप मीन कह रहे हो 7, तो इसमें डिफरेंस है. तो डिफरेंस क्या है, डेविएशन क्या है? डेविएशन हम कहेंगे एक्स माइनस ए. तो अगर मैं कहूँ 3 - 7, डेटा में से मीन को माइनस करना है, ध्यान रखना -4 आएगा, 5 - 7 - 2 आएगा, 7 - 7 - 0 आएगा, 9 - 7 - 2 आएगा, 11 - 7 - 4 आएगा. समझ में आ रहा है मैं कहां से लिख रहा हूँ ये? हाँ भाई, एक्स माइनस ए ना कह के, एक्स माइनस बार एक्स कह रहे हैं. ये हमारा एक्स है और ये हमारा बार एक्स है. एक्चुअली होता क्या है, देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ. सपोज करो अपने यहाँ ले लें, हमारे यहाँ सबसे खतरनाक चीज है, एक आदमी है जिसके पास 0 रुपीज है, दूसरा आदमी है उसके पास भी 0 रुपीज है, तीसरा आदमी है उसके पास भी 0 रुपीज है, चौथा आदमी है उसके पास 0 रुपीज है, और एक के पास 1 करोड़ रुपए है. कितने? ठीक है जी, कितने रुपए है? 1 करोड़. 1 करोड़. हाँ जी, अब बताओ उसका एवरेज क्या होगा? 20 लाख. 20 लाख रुपए. अब मैं आपसे पूछूं सर, 20 लाख का क्या मतलब हुआ? सबके पास तकरीबन 20-20 लाख रुपए हैं. इसका मतलब ये है सर, सेंट्रली बीच में एवरेज. तो क्या ये हकीकत है कि सबके पास 20-20 लाख रुपए हैं? नो सर, हकीकत नहीं. यहाँ तो हालत ये है कि भाई 4 लोग तो खाना नहीं खा सकते. तो एवरेज पे, हाँ तो एवरेज का फर्क, प्रॉब्लम यही होता है कि भाई मान लो मैं आपसे कहूँ, सपोज करो मैं आपसे कहूँ, आप एक टेस्ट में लाए 0 मार्क्स और एक में लाए 100 में से 100, आपको मेरे 50 एवरेज है. ये तो गलत है, ऐसा तो नहीं है. ठीक है सर, आप तो एक में फेल हो. यस और नो? यस सर. एवरेज तो आप कह रहे हो 50, बट एक्चुअली तो ये हो रहा है कि एक सब्जेक्ट में आप फेल हो, 0 हो. तो एक्चुअली क्या होता है कि मीन जो है हमारा एक्चुअल डेटा को रिप्रेजेंट नहीं करता है. समटाइम मीन तो हमने निकाल लिया और मीन निकाला भी सही कि भाई सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑब्जर्वेशन, बट इट नेवर समटाइम इट डिड नॉट, जिसे कहना चाहिए, डज नॉट रिप्रेजेंट द एक्चुअल सिचुएशन. तो फिर हम क्या करें? तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम डेविएशन निकालते हैं कि भाई अच्छा देखो एक्चुअल डेटा में और मीन में डिफरेंस कितना. तो उसे कहते हैं डेविएशन, डी. यही आपका पहला क्वेश्चन भी है, मैं ऐसी मजाक नहीं कर रहा, यही आपका 11th का फर्स्ट क्वेश्चन है. तो आपने बेटे डेविएशन निकाल लिया, -4 - 2 - 0 - 2 - 4. अब यहाँ टर्म आता है कि मीन डेविएशन. क्या टर्म आता है? मीन डेविएशन. ठीक है, जैसे हमारे पास टर्म है वैसे ही इसका मीनिंग है. इसका मतलब क्या है कि मीन ऑफ डेविएशन. जी भाई. अजी वाले इस्लाम, कैसे मिजाज है सर? मैं भाई घर पे हूँ. हाँ जी, यार तशरीफ लाए. जी जी, मैं घर पे हूँ. हाँ जी, हाँ जी. हाँ भाई, हमारे पास क्या है? हमारे पास है मीन डेविएशन. यही टर्म है, यही आपका पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट एक्सरसाइज यही है. तो मीन डेविएशन क्या है? मीन डेविएशन होता है सम ऑफ डेविएशन अपॉन नंबर ऑफ डेविएशन. अब बच्चे आप लोग सब अगर देखोगे, ये फैक्ट है, ये रूल है. ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूँ. मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये है मेरा डेटा एक्स आई, उसमें से मैंने मीन को माइनस किया, इसे आपने कहा डेविएशन. लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर इस डेविएशन का आप सम लेंगे बेटे, तो ये हमेशा 0 आएगा. ये रूल है, i = 1 to n. डेविएशन का सम, जब भी आप डेविएशन निकालेंगे उसका सम हमेशा 0 आएगा. समटाइम ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा
एक्स आई माइनस बार एक्स, तो इट इज ऑलवेज जीरो। जरा ध्यान से देखो, हमारे पास डेविएशन आया है माइनस फोर, माइनस टू, जीरो, टू, फोर, क्या ये कैंसिल हो रहे हैं? फोर से फोर कैंसिल, टू से टू कैंसिल, जीरो तो जीरो, यस सर नो? यस सर। तो इसका सम कितना आएगा? जीरो। जीरो। इसका सम अगर बेटे जीरो आएगा तो इसका मतलब आप कभी मीन ही नहीं निकाल पाओगे। अगर मीन नहीं निकाल पाओगे तो फिर कैसे निकालें? तो फिर इसका तरीका ये होता है कि जो हमने डेविएशन निकाला है बेटे, डी निकाला है, उसका हम मॉडुलस निकालें। क्या निकालेंगे? मॉडुलस, जिससे कि उसका साइन खत्म हो जाए। तो जब हम डेटा में से मीन माइनस कर रहे हैं उसका हम मॉडुलस निकालेंगे। तो मॉडुलस क्या आ रहा है हमारे पास? हमारे पास हमने किया था माइनस फोर माइनस टू, तो माइनस हटा देंगे, फोर आ जाएगा, टू आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, टू आ जाएगा, फोर आ जाएगा। अब हम निकालेंगे बेटे मीन डेविएशन, मीन डेविएशन, और इसे कहते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन। अभी मैं बताऊंगा अबाउट मीन क्यों लिख रहा हूं। अबाउट मीन करना तो उसी तरह से इन सब को सम करो और डिवाइडेड बाय नंबर्स कर दो। तो 6 प्लस 6 12, 12 बाय 5 कितना आएगा बेटे? 2.4। समझ में आया कुछ? जरा देखो, आप सबका ये पहला क्वेश्चन है एग्जाम का भी, मतलब आपकी बुक का भी, ऐसे नहीं हम समझा रहे। अच्छा भाई एक मिनट दे दो। सब बच्चे इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करो बेटे सबके साथ। हो गया ये? Yes, sir. हमारे पास yes, क्या sir. है, आपसे वही क्या एग्जाम्पल वन है, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ स्टेप्स लेने, मीन निकालना है, सिंपल। 6 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 12 बाय हाउ मेनी नंबर्स वी हैव? 3, 4, 4, 4, 8 ठीक है सर। तो 12 प्लस 8 20, और जी सर ये कितना हो गया सर? 13, 23 और 35 और जी 38, 48, 52 और 20, 72 बाई 8, 9। तो ये आ गया मीन। सेकेंड स्टेप में आपको लेना है डेविएशन। डेविएशन होता है आपके पास x माइनस a। आप चाहे तो यहीं पे मॉडुलस ले लीजिए, तो मॉडुलस लेंगे तो मॉडुलस ऑफ डी हो जाएगा। तो मॉडुलस ऑफ डी क्या होगा? आपको 6 में से 9 माइनस करना है, 3 आएगा, 7 माइनस 9 2 आएगा, 10 माइनस 9 1 आएगा। सब बच्चों को समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? 12 माइनस 9 3 आएगा, 13 माइनस 9 4 आएगा, 4 माइनस 9 5 आएगा।
8 माइनस 9 1 आएगा और 12 माइनस 9 3 आएगा विदाउट साइन हमने लिया है. अब आपको क्या करना है, सिंपल मीन डेविएशन अबाउट मीन, दैट्स इट. सम ऑफ ऑल 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 3 ये हमारे पास, अगेन डिवाइडेड बाई 8. तो आपके पास क्या आएगा, 3 2 5 6 9 13 18 19 22 22 बाई 8. तो आपके पास क्या आ गया भाई, 2.75. अब एक्चुअली होता क्या है, फायदा क्या हुआ इसका, फायदा ये हुआ बेटा, मीन डेविएशन जितना लोवेस्ट होगा ठीक है उतना ही हमारा जो मीन है वो अच्छा होगा. अगर डेविएशन ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब उस मीन का रियलिटी से कोई मतलब नहीं. मतलब समझिए इसका भी क्या है भाई, सपोज करो मैं कह रहा हूँ मेरे पास 5 नंबर्स हैं, 10 10 10 10 और 10, और इसका जो मीन आया वो 10 आया. अब इसका जो डेविएशन आएगा आप देखोगे जीरो आएगा. अगर डेविएशन जीरो आएगा तो मीन डेविएशन जो आएगा, ठीक है भाई, मीन डेविएशन जो आएगा वो भी जीरो आएगा. तो आप खुद देखो कि जो हमारा मीन है वो एक्चुअल डेटा के बहुत करीब है. लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जैसा अभी मैंने एग्जांपल लिया था 0 0 0 और 100, अब इसका अगर हम मीन लेंगे तो 25 आएगा. अगर मीन 25 आएगा तो डेविएशन कितना होगा, 0 माइनस 25 25 25 25 100 माइनस 25 75. ये हमारा डेविएशन आ गया x माइनस बार x का मॉडुलस. अब अगर इसका मीन डेविएशन लेंगे तो ये कितना हो रहा है, 150 150 बाई 4. तो ये कितना आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, 4 3 12 एंड आपके पास कितना आ गया, 37 37.7. तो अब आप खुद देखो कितनी ज्यादा डेविएशन है, जीरो से कितना दूर चला गया. तो इसीलिए हम कह सकते हैं जो हमारा एक्चुअल डेटा था, एक्चुअल डेटा है 0 0 0 और मीन है हमारा 25, उसका आपस में रिलेशन नहीं है, रियलिस्टिक मीन नहीं है. तो ये फायदा होता है मीन डेविएशन निकालने का. जैसा आपने देखा होगा हमारे यहाँ प्लेयर थे सहवाग, पहले मैच में जीरो, दूसरे मैच में जीरो, तीसरे मैच में 300 रन बना दिए. अब अगर 300 बना दिए तो उनका एवरेज क्या आया, हर मैच में 100, बट ऐसा तो नहीं है. तो जब सुल्तान चल गए तो सुल्तान हो गए, जब नहीं चले तो जीरो हो गए. तो ये चीज हमें मीन डेविएशन से पता चलता है कि हमारा जो डेटा है वो कितना रियलिस्टिक. इसे नोट करो, फिर एक क्वेश्चन और देखो. हो रही थी, मैंने कहा भाई जी बेटे, हो गया ये? यस सर.
देखो सर, मैंने अभी आपसे जो कहा ना बेटे कि मीन डेविएशन अबाउट मीन क्यों है, क्योंकि हमारे पास एक टॉपिक होता है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। देखो भाई साल तो कहीं ना भेजियो, पीसी दे जाओ बस जी बेटे। देखो हमारे पास क्या क्वेश्चन है, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ बात कर रहा है मीडियन के लिए, मतलब हम सेम चीज करेंगे मीडियन के लिए। अगर आप बच्चों को याद हो मीडियन कैसे निकालते थे, जब नंबर्स ऐसे दिए हों तो मीडियंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, मीडियंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है बेटे कि आपका डेटा अरेंज होना चाहिए। तो अरेंज का मतलब क्या है, पहले आप 3 लिखोगे, ठीक है, फिर आप लिखोगे 4, फिर आप लिखोगे 5, फिर आप लिखोगे 7, फिर आप मेंशन करोगे 9, फिर आप करोगे 10, फिर आप करोगे 12, फिर आप करोगे 19, फिर आप करोगे 18 भी हमारे पास, 19 और फिर 20, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास नंबर्स हैं, फिर आपने अगर इस तरह से डिस्क्रीट नंबर दिए होते तो आप काउंट करते हो कितने नंबर्स हैं, 4, 4, 4, 8, ठीक है सर, और 3, 11, तो आपके पास नंबर्स हैं 11, 11 है, तो ये ऑड टर्म्स हैं। अगर ऑड टर्म्स हैं तो मीडियन का शायद आपको फॉर्मूला याद हो ऑड के लिए, है ना, 11 प्लस 1 बाई 2 टर्म, याद है कुछ सर, है ना भाई। अगर आपके पास, अगर बेटा आपके पास ऑड होते थे तो n प्लस 1 बाई 2 टर्म होता था, और अगर इवन होते थे तो n बाई 2 और फिर उससे नेक्स्ट n बाई 2 प्लस 1 बाई 2 टर्म। तो 11 प्लस 1 बाई 2 का मतलब 12 बाई 2, 6th टर्म, कौन सी टर्म, 6th टर्म, तो 6th टर्म कौन सा है यहाँ पे, 9 हमारा मीडियन होगा। बस यहीं तक डिफरेंस है बेटे, आगे कोई डिफरेंस नहीं है। अगेन हमें डेविएशन निकालना है, तो अब हम जो डेविएशन निकालेंगे वो मीडियन से निकालेंगे, मतलब मीडियन को माइनस करेंगे, तो अब आप डेविएशन निकालिए। लेकिन ये डेविएशन अबाउट मीडियन होता है, मतलब डेटा में से इस बार हम मीडियन को माइनस करें और उसका मॉडुलस ले लेंगे, तो 3 - 9 = 6, 3 - 9 = 6, 4 - 9 = 5, 5 - 9 = 4, 7 - 9 = 2, 9 - 9 = 0, 10 - 9 = 1, 12 - 9 = 3, 18 - 9 = 9, और 19 - 9 = 10, और 21 - 9 = 12। अब हमें अगर मीन डेविएशन लेना है तो वो इसका लेना है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो इस तरह से दो तरह के मीन डेविएशन होते हैं, मतलब मीडियन को भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना एक्चुअल है, और मीन को भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगेन वही मीन लेना है हमें, मीन डेविएशन, तो अभी भी मीन ही लेना है। तो 6 + 6 + 5 + 4 + 2 + 0, वही रख दी, +0 + 1, 3 + 9 + 10 + 12 डिवाइडेड बाई, नंबर्स कितने थे हमारे, 11, ये हमारे सर, प्लस करो कितना हुआ, 58/11। सब बच्चों को कुछ समझ में आया या नहीं आया बताइए। यस सर आ गया। तो ये वाला मीन डेविएशन है अबाउट मीडियन। चलो एक क्वेश्चन करो जल्दी से, इसे नोट करो और फिर एक क्वेश्चन करके दिखाओ। दो ही टॉपिक हैं इस पूरे चैप्टर में बेटे, एक मीन डेविएशन, एक स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एक एक्सरसाइज समझिए कंप्लीट हो गई, अगर आपने ये टॉपिक समझ लिया। अब तो सिर्फ जितने तरीके से मीन निकाला है उतनी तरह से मीन डेविएशन निकालना। हेलो, सलाम अलैकुम।
ये इसका मीन डेविएशन निकालिए अबाउट मीडियम। सब बच्चे कोशिश करें मुझे आंसर दें जरा।
हाँ भाई हो गया ये? यस सर। हेलो, आंसर आ गया? यस सर। देखो अब आप देखो जरा इसे, अब आपने जितने तरीके से मीन निकाला है और जितने तरीके से मीडियन निकाला है, उतने ही तरीके से अब हमें डेविएशन निकालना है। अब मैं आपको सिर्फ सीधा सीधा सा समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो। दानियाल, दानियाल साहब है? यस सर। समझ में आ रहा है कुछ? यस सर आ रहा है। बस ये बेसिक था बेटे। अब देखो बहुत ही सिंपल सा है, हमारे पास आपने जो मीन निकाला होगा, एक तो ऐसे अगर सिंपल डेटा दिया हो ऐसे निकाला था, दूसरा आपने निकाला होगा अगर आपको टेबल दी जाए विदाउट ग्रुप विदाउट फ्रीक्वेंसी। देखो ध्यान से मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप समझ, बहुत सिंपल लगेगा आप सबको क्योंकि कॉन्सेप्ट तो इतना सा ही है। ये बेटा हमारे पास टेबल है, आप लोगों ने नाइन्थ में किया हुआ है। हाँ भाई, आपसे कह रहे हैं फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो इसका मीन कैसे निकाला था आप बच्चों ने, याद है कुछ? x दिया होता था, f दिया होता था, नाइन्थ का क्वेश्चन है। Yes, sir. शायद आप f into x निकालते थे या नहीं निकालते थे? Yes, sir. x को f से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो जरा देखो मैं आपको डायरेक्ट इसको ऐसे ही सॉल्व दिखा रहा हूँ, आप सिर्फ समझते जाइएगा कि जी सर ऐसे ही हो रहा है। ये हमारे पास टेबल है, ठीक है भाई? हमारे पास क्या है, हमारे पास है x और हमारे पास क्या है, हमारे पास है f। तो पहले हम मीन निकाल रहे हैं, तो हम क्या करते थे, f into x करते थे। सब बच्चे बताओ पता है या नहीं पता? ये 2 2 जा 4 5 8 जा 40 6 10 जा 60 8 7 जा 56 10 8 जा 80 12 5 जा 60। फिर हम करते थे सिग्मा fx, सिग्मा fx कितना आया यहाँ पे? ए भाई सिग्मा fx कितना आया यहाँ पे? 40 सिग्मा fx बेटे, सिग्मा fx आया हमारा 300, ठीक है, और सिग्मा f आया हमारा 40। तो हम मीन निकालते थे अगर आपको याद हो, ठीक है? मीन कैसे निकालते थे, बार x is equals to सिग्मा fx upon सिग्मा f। तो सिग्मा fx हमारा आया 300, सिग्मा f हमारा आया 40। हम यहां से निकाल लेंगे 4 7 जा 28 4 5 जा 7.5, ठीक है भाई? मीन हमारा कितना आ गया? 7.5। यस, तो हमारा मीन यहाँ पे आ गया सर जी 7.5। अब अगर हमारा मीन 7.5 आ गया तो अब हमें क्या करना था? अभी हमने क्या किया था, हमने डेटा में से मीन को माइनस किया था। हाँ भाई, डेटा में से मीन को माइनस किया था, तो हमारा डेटा जो है वो कितना है, पहला वाला डेटा कितना है? पहला वाला डेटा है 2, और 2 में से 7.5 माइनस करो तो कितना आएगा सर? 5.5। उसका आपने ले लिया मॉडुलस बेटे, वो पॉजिटिव हो गया। फिर आपने 5 में से माइनस किया तो 2.5 आया, 6 में से माइनस किया 1.5 आया, 8 में से माइनस किया 0.5 आया, 10 में से माइनस किया। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? Yes, sir, आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया डेविएशन, ये आपका हो गया डेविएशन। लेकिन डेविएशन अगर ये हो गया, बट फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी तो इस डेटा की भी इतनी रहेगी। अब हमें निकालना है मीन, तो हम क्या करेंगे, एफ इंटू डी करेंगे। तो एफ इंटू डी हमारा ये आ गया 2 into 5.5 11, 8 into 2.5 20, 10 into 1.5 15, 7 into 0.5 3.5, तो ये हमारे पास आ गया। अगर ये आ गया तो अब हम सिग्मा एफ डी निकालेंगे, सिग्मा एफ डी डेविएशन एक्स आई माइनस बार एक्स, वो कितना आया सर जी? 92, और सिग्मा एफ कितना है सर जी? 40, तो 92/40 ये हमारा मीन डेविएशन, ठीक है भाई? सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ये हमारा होगा मीन डेविएशन अबाउट मीन। बताओ समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. दोबारा से देखो, क्वेश्चन करेंगे एक। सर आ गया। गुड, तो जितने तरीके से मीन निकालना सीखा है उतने ही तरीके से मीन डेविएशन होगा। बस देखो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है छोटा सा, तो साथ साथ प्रैक्टिस करते चलिए।
चलिए आप सब बच्चे इसका मीन निकालिए जल्दी से. x दिया हुआ है, f दिया हुआ है, f into x निकालिए. मैं तो f into x यहीं पे निकाल रहा हूँ नीचे ही, ऐसे ही f into x. 5 7 जा 35, 10 4 जा 40, 15 6 जा 90, 23 जा 60, 25 5 जा 125. तो यहाँ आपके पास आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स. ठीक है भाई, सिग्मा सिग्मा आ जाएगा सम. तो सम आ जाएगा कितना, 35 40 75 ये 5 और 5 10. 1 2 1 3 6 9 18 22 और 3 25. 2 2 1 3 350 आ रहा है. सिग्मा एफ कितना है, 35 बेटे. ठीक है, तो आपके पास बार एक्स क्या आ जाएगा बताओ. बार एक्स आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ. कितना आया बेटे, 25 1 जा 25 10 5 40. तो आपका मीन आ गया 40. तो अब आप क्या करोगे, डेटा में से 14 को माइनस करो, उसका मॉडुलस ले लो. तो डेटा कितना है, 5. 5 माइनस 14 कितना होता है, 9, 4, 1, 6, 11. F से मल्टीप्लाई करो. तो F कितना था, 7, 9 जा 63. समझ में आ रहा है सबको, 16, 6, 1 जा 6, 3, 6 जा 18, 11, 5 जा 55. इसका भी सम ले लो, 5, 8, 13, 19, 25, 28, 2, 7, 8, 9, 50, 158. तो आपके पास mean deviation about mean is equals to with a simple sa 158 upon 25. तो 25 6 जा और 25 3 जा, something 6.3. बताओ सब बच्चों को समझ में आया क्या. आप चाहे vertical table बना सकते थे, मैंने तो as it is horizontal table से ही कर लिया काम. सब बच्चों को समझ में आया क्या? Yes sir. नदीप, दानियाल? Yes. समझ में आ रहा बेटे? Sir. जी? आ गया. यूसुफ, समझ में आ रहा है? Yes sir. Good. तो ये हमारे पास था mean deviation about mean. अब इसी तरह से एक और ले लेते हैं, पहले मीन वाला ही ले लेते हैं, फिर मीडियन वाला बाद में लेंगे. ठीक है, आपको सपोज करो आधा क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही जाना चाहिए. ओह, तो आप फर्स्ट एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे और एक एक्सरसाइज और बचती है तो दो क्लास में इंशाल्लाह एक क्लास ये हमारा खत्म हो जाए. कल भी इंशाल्लाह क्लास होगी, टाइमिंग में बता दूंगा. ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लें आप बच्चे सब. टाइम टेबल डिजाइन जी इंशाल्लाह डिसाइड कर, बस पढ़ने का मूड बना लो आप सब बच्चे. बस चलो इसका मीन निकालो, आता है सब बच्चों को निकालना. फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा.